ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ये मिनरल एंड न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 3 है और ये लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले तो बात यही आती है कि नाइट्रोजन, इतने सारे मिनरल्स में से हमने नाइट्रोजन को एक अलग लेक्चर में जो है वो क्यों इन्वॉल्व करना पड़ा और एनसीईआरटी इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है। बेटा सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट में काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन सोइल के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है बेटा बहुत ज़्यादा कम है। सो इसकी वजह से हमें बेटा नाइट्रोजन के साथ काफ़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है, जिसके बाद नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को अपटेक होता है और प्लांट जो है वो वर्क करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले बात आती है कि सोइल के अंदर इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए इतनी चीज़ें बनाने में काम आता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए बेटा इसको हम कहाँ से अपटेक करते हैं, एटमॉस्फेयर से अपटेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि प्लांट को ये चीज़ दी जा सके। अब बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे ली जा सकती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है बेटा सोइल में कन्वर्ट, सोइल में पहुँचाई जा सकती है कैसे, इंडस्ट्री के थ्रू, हेबर प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या होता था N2+3H2 गिव राइज टू 2NH3, ओके, ऐसे पहुंचाई जा सकती है। प्लस लाइटनिंग वगैरह से जो होती है बेटा नाइट्रोजन, वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है। प्लस कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेटा, बायोलॉजिकल फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ ये जो प्रोसेस है बेटा 60% जो है यही प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब बात आती है बेटा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, और इसके अंदर हमें 3 तरीके के बैक्टीरिया जो है वो यूज़ होते हैं, फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक और साइनोबैक्टीरिया। इन सभी बैक्टीरिया को मिला के हम बोलते हैं बेटा डाइएज़ोट्रोप्स, ठीक है। फ्री लिविंग में हमारे पास आ जाते हैं बेटा एजिट्रोप, एजिटोबैक्टर, बेजरनिका, रोडोस्पाइरुलम, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ओके। और सिम्बायोटिक के अंदर हमारे पास आते हैं बेटा राइजोबियम और फ्रेंकिया। राइजोबियम बेटा लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है, और फ्रेंकिया जो है एलनस वगैरह के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, और नोड्यूल फॉर्मेशन जो है जरूरी होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए। साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास आते हैं बेटा नोस्टोक एंड एनाबिना, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इसके अंदर बेटा एक ट्रिक है फ्री लिविंग के अंदर, हम लोग ये देखते हैं, ये तो है AB, ठीक है, और ये है बेटा RBC, ABRBC, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो शुरू के दो है ये होते हैं बेटा एरोबिक, कैसे होते बेटा एरोबिक, और लास्ट के जो ये 3 है रोडोस्पाइरुलम, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ये होते हैं बेटा एनएरोबिक, ठीक है, ये होते हैं एनएरोबिक, ओके। ये है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ओके। तो देखो बेटा होता क्या है, बायोलॉजी जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया के अंदर, ठीक है, अमोनिया या अमोनियम आयन के अंदर सोइल के अंदर ये बैक्टीरिया करते हैं ये काम। अब बेटा अमोनिया जो है प्लांट अपटेक नहीं कर सकते, इसलिए प्लांट क्या करते हैं बेटा, प्लांट क्या करते हैं इसको एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अमोनिया से। अमोनिया से ये कन्वर्ट किया जाता है बेटा नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से कन्वर्ट की जाती है बेटा ये नाइट्रेट में। अब ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट के पास जाती है, ठीक है, प्लांट के पास जाने के बाद प्लांट जो इसको अपटेक करता है नाइट्रेट को, लेकिन ये नाइट्रेट प्लांट के अंदर यूजफुल नहीं होती, इसलिए वापस से इस नाइट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में और उसके बाद अमोनियम आयन में। और जब ये अमोनिया जो है इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इस प्लांट की डेथ हो जाती है, तो ये अमोनिया वापस से यहाँ पे सोइल के अंदर आ जाता है और फिर वापस से ये साइकिल चलती है। तो देखो बेटा इसमें काफ़ी प्रोसेस हुए। पहला प्रोसेस है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जो N2 जो है वो अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हुई। अब अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, सेकेंड स्टेप हुआ बेटा नाइट्रिफिकेशन, ओके, और इस नाइट्रेट को वापस से अमोनिया में कन्वर्ट करना बेटा ये प्रोसेस हुआ अमोनिफिकेशन, ठीक है, थर्ड स्टेप, ओके।
अब अमोनिफिकेशन से ये काफ़ी बार क्या होती है बेटा, ये जो अमोनिया होती, जो नाइट्रेट होता है ये वोलेटाइल होता है, ये एटमोसफियर में वापस चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते बेटा डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते बेटा? डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरीके से एक साइकिल जो है 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। एटमोसफियर की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया, अमोनिया से किस में कन्वर्ट किया? नाइट्रेट में, ताकि प्लांट अपटेक कर सके। लेकिन प्लांट अपटेक तो कर लेते हैं लेकिन इसका यूज नहीं जानते, तो ये नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया की फॉर्म में ताकि ये कुछ अमीनो एसिड बना सके। अब जब ये प्लांट जो है ये डेथ हो जाती है इसकी, जब ये नीचे गिर जाता है सोइल के अंदर आ जाता है, तो बेटा ये दोबारा से अमोनिया हमारे पास आया है सोइल में, तो बेटा ये अमोनिया वापस से इस प्रोसेस में जाएगा और इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि जो लोग नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बेटा कैसे, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब नोड्यूल बना के, वो किस तरीके से जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बेटा? हमारे पास ये हमारे पास एक रूट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक रूट हेयर है, ठीक है। इसके आसपास ये क्या करती है बेटा, जो रूट हेयर है ये क्या करती है, कुछ म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस जो है वो रिलीज करती है जिसके आसपास बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये सारे जो है बेटा वो क्या है, हमारे बैक्टीरिया है। जैसे मान लो राइजोबियम है, ठीक है, क्या है ये हमारा राइजोबियम है। अब ये जो राइजोबियम है, ये जो राइजोबियम है इस ये प्लांट ये इस रूट हेयर के आसपास जो है वो आ चुका है। अब क्या होगा बेटा, ये जो रूट हेयर है इसको कर्ल करेगा इस तरीके से, ठीक है, इसको क्या कर लेगा बेटा, इस तरीके से ऐसे कर्ल कर लेगा और इन बैक्टीरिया को अपने अंदर जो है वो इस तरीके से समा लेगा, ठीक है, अपने अंदर जो है ये बैक्टीरिया को अंदर की तरफ इन्वेड कर देगा, मैं बोलता हूँ इन्वेजन कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो बैक्टीरिया है ये मूव करते करते सेल में मूव करते करते ये आ जाएंगे बेटा एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के पास, और यहाँ पे ये अपनी सेल डिवीजन रोक देंगे और ये कहलाएंगे बेटा बैक्टीरियोइड्स। क्या कहलाएंगे? बैक्टीरियोइड्स, ठीक है। रूट्स हेयर से कहाँ तक आ गए? एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल तक आ गए। जब ये एक बार रूट एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के पास आ जाते हैं तब बेटा ये रिलीज करते हैं साइटोकाइनिन। क्या रिलीज करते हैं? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन रिलीज होते ही यहाँ पे बेटा ये सेल जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होने लग जाती है बेटा, डिवाइड होने लग जाती है और नोड्यूल बन जाता है, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे कैंसर हो गया वो प्लांट को, ठीक है। ये जो रूट है तो बेटा इसके आसपास इस तरीके से जो है ऐसे नोड्यूल बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे स्वेलिंग हो गई हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो है वो क्या कर चुकी है, वो डिवाइड करना शुरू कर चुकी है। और उसके डिवाइड करने से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि साइटोकाइनिन वहाँ पे ज़्यादा रिलीज हुआ और वो सेल जो है साइज में इंक्रीज हो गई। ओके, ये है बेटा नोड्यूल फॉर्मेशन। अब नोड्यूल नोड्यूल के अंदर वर्क कैसे होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये हमारे पास जैसे मान लो बेटा एक सेल है, इस सेल के अंदर हमारे पास एक बैक्टीरिया जो है वो आया है, बैक्टीरियोइड जो है वो आ चुका है। ये बैक्टीरियोइड जो है, जो राइजोबियम जो आया है, ये क्या करता है, ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम होता है बेटा? नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन को, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है बेटा प्लांट को, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये बैक्टीरियोइड है ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिलीज करता है, लेकिन ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी अगर इसके आसपास ऑक्सीजन हुई तो। क्या हुई बेटा? ऑक्सीजन हुई तो इसकी एक्टिविटी रुक जाएगी, ठीक है। इसको बेटा काफ़ी एटीपी वगैरह की जरूरत पड़ती है और यहीं पे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया से ये एटीपी वगैरह जो है वो लेता है, लेकिन ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए। इसलिए बेटा प्लांट क्या करते हैं, इसके आसपास एक लेग हीमोग्लोबिन ग्रुप जो है वो जोड़ देते हैं। ये हमारे पास एक लेग हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब लेग हीमोग्लोबिन बेटा, लेग जो वर्ड है वो लेग्यूमिनस प्लांट के लिए आया है, और हीमोग्लोबिन जो है वो एक, जैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है वैसे ही हीमोग्लोबिन जो है इनके अंदर ऑक्सीजन को दूर भगाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को स्कैवेंजर कर लेता है, ऑक्सीजन को खा जाता है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजिनेज के पास नहीं आने देता। कहने का मतलब ये है बेटा, लेग हीमोग्लोबिन, हीम वर्ड का मतलब होता है बेटा आयरन, और ये आयरन ग्रुप जो है बेटा रिलीज किया है बैक्टीरिया ने, और ग्लोबिन वर्ड बेटा बनाया है प्लांट ने। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो बैक्टीरिया और प्लांट दोनों से मिलके बना है। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा, तो इस तरीके से ये लोग जो है नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं थ्रू एंजाइम नाइट्रोजिनेज। अब देखो बेटा,
नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल के अंदर किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें एक नाइट्रोजिनियस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, हमें N2 नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, हमें काफ़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमें जीन की जरूरत पड़ती है, NOD NIF जीन की जरूरत पड़ती है, और हमें बेटा लेग हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने की। ये हमारे पास एक नाइट्रोजन ग्रुप है, इसको 8 हाइड्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन दिए जाएँ और 16 ATP दी जाए बेटा, तो ये नोड्यूल के अंदर क्या कन्वर्ट कर देती है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे हो तो ये क्या कर देता है बेटा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या कर देता है बेटा अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब 16 ATP दी है, वो एनर्जी यूज हो गई तो 16 ADP, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट प्लस 8 हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि बेटा यहाँ पे दो अमोनिया को बनाने के लिए मुझे 16 ATP और 8H+ की जरूरत पड़ी है। अगर एक को बनाना हो तो बेटा मैं ये बोलूँगा कि 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन की मुझे क्या होगी बेटा, ज़रूरत होगी। ये तो हमें बना बनाया दे दिया, किसने? बैक्टीरिया ने बना बनाया दे दिया। ठीक है, बैक्टीरिया ने क्या कर दिया नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर, क्या कर दिया हमें अमोनिया जो है प्लांट को प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जब अमोनिया जो है वो मिट्टी में होता है, जब सोइल में होता है, तब कैसे होगा? तब भी बेटा इसमें कुछ सोइल के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा बेटा नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस के थ्रू नाइट्राइट में। ये क्या है बेटा? नाइट्राइट। ठीक है, और इस नाइट्राइट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बेटा नाइट्रेट में, और किसके थ्रू? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। ठीक है, ये सारा काम कहाँ हो रहा है बेटा? ये सारा काम हो रहा है सोइल में, और इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलता हूँ? नाइट्रिफिकेशन। तो बेटा प्लांट के पास NO3 नेगेटिव जो है वो पहुँच गया, NO3 नेगेटिव पहुँच गया बेटा सोइल से। लेकिन ये NO3 मैंने पहले ही बोला कि NO3 नेगेटिव के फॉर्म में यूज़ नहीं करेगा, ये यूज़ करेगा बेटा अमोनिया के फॉर्म में, ताकि अमीनो एसिड बना सके। इसलिए बेटा प्लांट क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा प्लांट में जाके इसका एक एंजाइम होगा रिडक्टेज एंजाइम, ये इसको वापस कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट में, और फिर करेगा बेटा अमोनिया में कन्वर्ट। ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अमोनिया भी टॉक्सिक होता है प्लांट के अंदर, तो इसलिए बेटा ये क्या करते हैं, इसको अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के इसको बेटा लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं, एक अमीनो एसिड। ठीक है, जब ग्लूटामिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है तो बेटा ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब एक चेन चल चुकी है डिफरेंट अमीनो एसिड की, और बेटा अगर अमीनो एसिड बनेंगे तो प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, बेटा अमोनिया का फायदा उठाया, चाहे वो अमोनिया इन सोइल के बैक्टीरिया ने ऐसे मतलब इस प्रोसेस के थ्रू फिक्स करके दिया हो, चाहे नोड्यूल के थ्रू फिक्स करके दिया हो, चाहे बेटा साइनोबैक्टीरिया के थ्रू फिक्स करके दिया हो। इस तरीके से मेरे पास नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है किसके अंदर बेटा, प्लांट के अंदर। आई होप आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा बेटा। सबसे पहले हमने बात की कि सोइल के अंदर जो है वो नाइट्रोजन इतनी नहीं है जितनी एटमॉस्फेयर के अंदर है, और डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड हमने बात की कि किस किस प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर से सोइल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो आ सकती है। उसके बाद बेटा बायोलॉजिकल फिक्सेशन 60% था, बायोलॉजिकल फिक्सेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया थे। अमोनिया आ गया सोइल के अंदर, लेकिन प्लांट अपटेक नहीं कर सकते, इसलिए बेटा इसको कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट के फॉर्म में, जो कि प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन। इसमें कुछ बैक्टीरिया लगते हैं जैसे नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये है बेटा सोइल में। लेकिन नोड्यूल फॉर्मेशन से भी कई लोग जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों एक साथ मिलकर रह रहे हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ भी दिखाते हैं तो उसमें जरूरत पड़ती है नोड्यूल फॉर्मेशन की। ये लोग रूट के अंदर, रूट हेयर के थ्रू एंटर करते हैं, एंटर करके एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग वहाँ पे जाके साइटोकाइन रिलीज कराते हैं, जिसके बाद सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन के बाद वहाँ पे नोड्यूल बनता है, और नोड्यूल बनने के बाद इस सेल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्टिवेट होकर काम करना स्टार्ट करता है। उसको ज़रूरत होती है बेटा नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, ये ज़रूरत होती है कि उसके आसपास कोई ऑक्सीजन ना रहे, इसलिए प्लांट बेटा क्या बनाते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्ड के अंदर हीम वर्ड आयरन ग्रुप प्लांट ने दिया,
बैक्टीरियम दिया है और ग्लोबिन वर्ड जो है वो प्लांट ने दिया है. रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन की नोड्यूल में नाइट्रोजन इज एंजाइम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, जीन चाहिए, लेग हीमोग्लोबिन चाहिए. जीन मतलब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर N2 प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP, ये NCRT की इक्वेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 2NH3 16 ADP 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये है दो अमोनिया बनाने के लिए. एक अमोनिया के लिए में मुझे 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन और 8 ATP की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है. लेकिन अब जो है प्लांट ने चाहे नोड्यूल फॉर्मेशन हो चाहे किसी भी हो नाइट्रोजन अपटेक कर ली, लेकिन जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो भी जाते हैं, ठीक है, प्लांट ने जैसे मान लो NO3 की फॉर्म में अपटेक की, तो बेटा इसको वापस ये अमोनिया की फॉर्म में अपटेक करेगा, अब कन्वर्ट करेगा, और अमोनिया जब बन भी गया तो बेटा अमोनिया टॉक्सिक होता है, उसको ये कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में. जैसे अमोनिया को अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है बेटा ऑक्सैलो एसिडिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड. ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बेटा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनते हैं. ऐसे एक चेन चलती रहेगी प्लांट के अंदर और डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो मिलेंगे. ओके, आई होप आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो अच्छे समझ में आया होगा बेटा. ये लेक्चर जो है काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है और आपके अंदर आपके एग्जाम में एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है.